हाय गाइस कैसे हो आप लोग आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल well, दुर्गा पूजा भी आ गया है और मैं आज आप लोग के लिए इंडियन ग्लास स्किन रिचुअल लेके आई हूँ ऐसा नहीं है कि हमें कोरियन ग्लास स्किन ही फॉलो करना है यू कैन ऑल्सो फॉलो देसी स्टाइल जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट आपके किचन में ही मिल जाएगा आपको जस्ट पंद्रह दिन का समय देना है एंड यू विल सी द रिजल्ट ऑन योर स्किन तो चलिए हम लोग पहला स्टेप से शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है पानी लिया है और पानी में मैंने हल्का सा आलम मिला दिया है जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में उसके पानी से आपको अच्छे से अपने स्किन को क्लीन करना है वाइप करना है जो भी हमारे स्किन में एक्स्ट्रा डर्ट्स हैं ऑयल हैं फिटक्री के पानी से बहुत क्लीन हो जाता है गाइज एलम में ना एक स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी होता है क्या करता है आपके एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है और आपका जो स्किन का कलर है उसको लाइटन करने में हेल्प करता है इसलिए आप वीक में एक बार अपने फेस को एलम वाटर से वॉश कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे क्लेंजिंग नाउ फॉर क्लेंजिंग मैं आपको थ्री बेस्ट ऑप्शंस दे रही हूँ सबसे पहले आप दही यूज कर सकते हो दूसरा आप कच्चा दूध यूज कर सकते हो तीसरा कच्चे दूध में आप हनी मिलाकर भी यूज कर सकते हो अपने फेस को क्लियर क्लीन करने के लिए क्लेंजर आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हो अगर आपका ड्राई स्किन आप थोड़ा सा रोज वाटर भी कच्चा दूध में ऐड करके यूज कर सकते हो तो गाइज़ मैंने यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे दिया जैसा आपका स्किन टाइप है उस हिसाब से आप ये प्रोडक्ट अपने स्किन में यूज़ कर सकते हो ये तीनों ही स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छा काम करता है और हमारे घर में ईजिली अवेलेबल रहता है आपको क्या करना है कच्चा दूध में कॉटन पैड को डिप करना है एंड देन अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है मिल्क में सबसे ज़्यादा और अच्छे प्रॉपर्टीज़ रहते हैं जो कि स्किन वाइटनिंग का काम करता है इसमें वाइटमिन है कैल्शियम्स है लाटिक एसिड इट है इटास पोटेशियम तो आपका जो स्किन का कलर है उसको धीरे धीरे लाइटन अप करेगा अगर आप मिल्क ऐसे भी रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो लगाने के बाद कीपट फॉर सम वॉल और फिर हल्के गुनगुने पानी से आप इसको वॉश कर लेना ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना है क्लेंजिंग करने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टीम आप अपने घर में स्टीम पॉट आजकल सबके पास अवेलेबल होता है उसी से हल्का सा स्टीम ले लीजिए अपने स्किन में जिससे कि जो आपके पोर्स है ना वो ओपन अप हो जाए और जो प्रोडक्ट आप लगाओ होम इंग्रेडिएंट्स आप लगाओ वो और भी अच्छा काम करेगा आपके स्किन में आप चाहे तो गर्म पानी में हल्का सा यू नो एसेंशियल ऑयल मिक्स करके भी स्टीम ले सकते हो और अगर कुछ नहीं है जस्ट अ प्लेन स्टीम इज़ गुड इनफ स्टीम लेने के बाद आप स्किन देखो कितना अच्छा और निखार आने लगता है इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप में अपना स्किन दिखाऊंगी। नेक्स्ट अप हम लोग करेंगे स्क्रबिंग उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा और उसमें हम लोग ऐड करेंगे या फिर लेमन या फिर टोमेटो बट गाइज़ यू नो मैं लेमन ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टोमेटो बट लेमन जिसको सूट करता है आप ऐड कर सकते हो नहीं तो आप टोमेटो ऐड कर लो उसमें हल्का सा मैंने ऐड किया कच्चा दूध इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो टोमेटो का जो पल्प होता है ना वो स्क्रबिंग में बहुत अच्छा काम करता है राइस गाइस राइस तो मतलब मतलब स्किन वाइटनिंग में अगर आप स्किन वाइटनिंग करना है ना उसका की इंग्रेडिएंट है राइस राइस का या तो आप फ्लावर यूज़ कर लो राइस वाटर यूज़ कर लो यूज़ राइस इन एनी वेज़ तो अगर घर में चावल पक रहा है उसका पानी भी आप लेके लगा सकते हो इतना अच्छा काम करता है राइस और राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन में ना हार्म नहीं करेगा हमेशा अगर आपको लगता है फ्लावर यूज़ नहीं कर सकते तो आप राइस वाटर डायरेक्टली अपने स्किन में लगा लो फ्रिज में डाल दो ठंडा होने के लिए रख लो यूज इट एज अ टोना तो ये सब इन्ग्रीडियंट्स स्किन वाइटनिंग में बहुत अच्छा काम करता है स्क्रब हमें रोज़ रोज़ नहीं करना है जैसे हमें पता है वीक में एक या दो बार ही करना है और होम इन्ग्रीडियंट्स अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा बात है स्क्रब करने के बाद उसको आप अपने मतलब फेस को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा वॉश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे देखिए मैं आपके यहाँ आप पे अपना स्किन दिखाती हूँ कितना यू नो क्लियर होते जा रहा है जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं ये वीडियो कर रही थी दैट वाज संडे और उस दिन मैं एक्चुअली होम इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन में लगाती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शूट करके आप लोग को बताऊँ स्किन वाइटनिंग यू you नो know, आप अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं ओके आफ्टर स्क्रबिंग हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ओट्स ओट्स को पीस लिया पीसने के बाद उसमें मैंने ऐड किया ताजा दही और यहाँ पे हमने बना लिया है अपना पैक आप इन दोनों को मिक्स करके अपने स्किन में लगा लो फॉर सम वाइल जब ड्राई हो जाएगा आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा गाइस ये जो मैं सारे स्टेप्स आपको बता रही हूँ ये स्किन वाइटनिंग के साथ साथ आपको वो ग्लास स्किन भी देगा इसीलिए मैं आपको डिटेल में सारे स्टेप्स बता रही हूँ जब आप यू नो ट्राई करोगे यू विल सी द रिजल्ट ये पैक ऑल स्किन टाइप आराम से यूज़ कर सकते हो अगर आपका सेंसिटिव स्किन भी है डोंट वरी आप ओट्स पाउडर को यू नो एकदम पीस के पाउडर बना के दही लगा के अपने स्किन में यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा काम करेगा स्किन भी बहुत हेल्दी रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है बहुत सारा आइस ओके okay, आइस जब आप ले लोगे उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ऑफकोर्स आइस वाटर ही डालिएगा और अपने फेस को उसमें डिप कर लीजिएगा हमने जो स्टीम वगैरह किए थे पोर्स खुल गए थे उसको लॉक करने के लिए सारा जो इंग्रेडिएंट है हमारे स्किन में अच्छे से काम करने के लिए हमें आइसिंग करना है अपने स्किन में डू नॉट यूज़ द आइस डायरेक्टली ऑन योर स्किन आप ऐसे पानी में फेस को डिप कर लो थोड़ा देर तक ये करो जब तक कि आपको अच्छा लगे उसके बाद आप इट ड्राई वाटर को ड्राई होने दीजिए फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना टोनर यूज एनी प्रोडक्ट दैट यू हैव हाँ एट होम टोनर को आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो ठंडा हो जाएगा ठंडा टोनर यूज़ करो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा अगर आपको लगता है ठंडा नहीं यूज़ करना है जस्ट यूज़ अ नॉर्मल टोनर आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग रोज वाटर आप कोई भी प्योर रोज वाटर देख कर लगा सकते हो अपने स्किन में लेट इट ड्राई उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर मसाज उसके लिए आप ऑयल मसाज कर सकते हो जिसके लिए आपको लगेगा आलमंड uh, ऑयल मैंने जस्ट थोड़ा सा अपने हाथ में लिया और उसमें सिर्फ दो बूंद वाइटमिन ई e ऑयल के मिक्स किए इन दोनों को अच्छे से मिक्स करो मिक्स करने के बाद म, अपने स्किन में लगा के मसाज या स्किन अगर आपको लगता है आपका टाइम नहीं है ऑयल मसाज करने का आप टोनिंग के बाद जस्ट मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ सकते हो बट रात का टाइम था मैं क्या करती हूँ रात में अक्सर क्योंकि हम लोग ए में सोते हैं ना तो स्किन ड्राई होने लगता है तो मैं वीक में एक बार पंद्रह दिन से दस दिन में एक बार में अपने स्किन में ऑयल लगा के मसाज देती हूँ यूजिंग एनी टूल तो आप इस स्टेप में भी वो कर सकते हो अगर आप रात में सोने जा रहे हो अगर आप दिन में कर रहे हो आप मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दीजिएगा आपके पास जो भी टूल अवेलेबल है घर में उससे आप अपने स्किन को मसाज दे दो अगर टूल नहीं है सिर्फ हाथ से मसाज दे दो बट एक ऑयल मसाज ज़रूरी रहता है स्किन में उससे क्या रहेगा आपका स्किन अच्छा भी रहेगा ड्राई आउट जल्दी नहीं होगा सो so गाइज़ आप एक बार ये यू you नो know, जितने मैंने स्टेप्स बताएं आप करके देखो पंद्रह दिन में आप अपने स्किन में फर्क देखोगे गाइस, अगर आपको वो नेचुरल ग्लास स्किन चाहिए स्किन व्हाइटनिंग चाहिए ग्लो चाहिए अपने स्किन में आप चाहते हो इंग्रेडिएंट यूज़ करके जितने दाग धब्बे सब मिट जाए ट्राई दीज स्टेप्स आप फर्क देखने लगोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्किन भी हेल्दी फील करेगा ऑल्सो गाइज अगर आप ये ट्राई करोगे डू लेट मी नो दमेंट बॉक्स बिलो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट वहाँ पर मैं बहुत अपडेट्स डालती हूँ रील्स डालती हूँ जो कि बहुत काम आएंगे आप लोग के थैंक यू सो मच एल सी यू गाइज रेली सुन बाय